केंद्रीय मंत्री श्री नारायण राव जी राणे, इन्होंने मुख्यमंत्री जी के बारे में जो टिप्पणी की, हम उसका समर्थन नहीं करते। मुख्यमंत्री जी को भारत की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सवी वर्ष याद नहीं रहा, इसके लिए किसी व्यक्ति को गुस्सा आ सकता है, वो स्वाभाविक भी है, किंतु उस गुस्से को व्यक्त करने के अपने तरीके होते हैं, उन तरीकों से ही उसको व्यक्त किया जाना चाहिए। किंतु इस वक्तव्य के बाद जिस प्रकार से पुलिस का राज चलाने का प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वक्तव्य का समर्थन नहीं करेगी, पर व्यक्ति का समर्थन पूरे तरीके से करेगी। भारतीय जनता पार्टी नारायण राव जी राणे इनके पीछे पूरी ताकत से खड़ी रहेगी। मुझे आश्चर्य लगता है, शर्जिल उस्मानी नाम का एक व्यक्ति महाराष्ट्र में आकर भारत माता को गाली देता है, हिंदुओं को गाली देता है, और महाराष्ट्र की पुलिस अव्वल तो उसके खिलाफ एफआईआर भी नहीं करती, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती, लेकिन केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी के वक्तव्य के बाद दो दो जगह एफआईआर दाखिल होते हैं, टीम निकलती है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पुलिस कमिश्नर आदेश देते हैं कि इनको पकड़ा जाए, कोर्ट के सामने हाजिर किया जाए। पुलिस कमिश्नर साहब को कानून पता है देश का, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और जिसको कॉग्निजेबल बनाने का आपने प्रयास किया है उसमें भी आपको पहले नोटिस देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने आईटी एक्ट में दिया है। कुल मिलाकर जिस प्रकार से पुलिस का बल इस्तेमाल करते हुए राणे जी की यात्रा को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, अव्वल तो कानूनन पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकती, पर महाराष्ट्र में आजकल कानून का राज नहीं दिखता, गैर कानूनी ढंग से अगर उन्हें अरेस्ट किया गया तब भी जन आशीर्वाद यात्रा चलेगी। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।